ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल SHVM बापूनगर पर आपका स्वागत है। आज हम RBSE क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो अक्सर 6 नंबर के परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनमें से पहला प्रश्न है आपके, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से लिखा जाना है 1 से 49 तक और दर्शाइए कि जो एक्स है वो ऐसा मान है एक्स से पहले आने वाले मकानों की संख्याओं का योग और बाद में आने वाले मकानों की संख्याओं का योग बराबर है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी 1 से 49 तक मकानों की संख्या लिख रखी है और एक्स ऐसी संख्या है जिसके पहले जो मकानों की संख्या है उनका योग और बाद में जो मकानों की संख्या का योग है वो बराबर दे रखा है, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। ध्यान दे, समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहले देखिए मकानों की संख्या की एपी बनाते हैं तो एपी बन जाएगी आपकी, एपी का मतलब है या समांतर श्रेणी से ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, बीच में आपका एक्स आ गया और अंतिम जो आपकी संख्या है वो क्या आ गई, 49। अब ध्यान रहे एक्स से पूर्व के पद है वो एक्स से एक कम होगा क्योंकि जो डिफरेंट है प्रत्येक मकान में वो कितने का है, एक का, अंतर एक का है, तो एक्स से पूर्व होगा x-1 और एक्स के बाद होगा x+1। ठीक है, अब देख क्या रखा है कि ये जो योगफल है यहां तक और ये जो योगफल है यहां से यहां तक इनका योगफल समान है, यानी x से पूर्व के पदों का योग और x के बाद के पदों का योग प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, बराबर। और हमें क्या ज्ञात करना है, x। तो देखिए यहां से पहले हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक एपी से इनका योग ज्ञात कर लेते हैं और फिर इनके बाद वाले पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्स से पूर्व पदों का योग, अब एक्स से पूर्व पदों का योग, देखिए योगफल का आपको सूत्र पता ही है, SN = n/2 कोष्टक a+l। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा योग SN, n क्या है आपका अंतिम पद, यानी पदों की संख्या एक से शुरू हो रही है तो डिफरेंट एक एक का है इसलिए अंतिम पद होगा, n का मान हो जाएगा x-1, n का मान x n/2, यानी देखिए सूत्र याद लिख देता हूं मैं, n/2 कोष्टक a+l SN = ये सूत्र है आपका, जब पहला और अंतिम पद दे रखा हो, पहला भी दे रखा है अंतिम भी दे रखा है, ठीक है। एस एन का मान यहां से हो गया x-1, एन का मान x-1 अपॉन हो गया 2, कोष्टक ए जो आपका है पहला पद वो 1 हो गया और एल जो है वो x-1 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके पहले x से पूर्व पदों का योग, तो यहां से x-1 आ गया, बटे में 2 है, 1 घट जाएगा तो गुणा में आ जाएगा x, या x में आगे लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया आपका योगफल कैसा, x से पूर्व पदों का। अब x से बाद वाले पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो आप सोच रहे हैं कि ये पहला पद है, नहीं ये पहला पद नहीं है, वैसे जो समांतर श्रेणी जिसका योगफल ज्ञात करना है उसका पहला पद इसको ले सकते हैं, लेकिन यहां से पहला पद इसको लोगे तो ये पहला पद हो जाएगा, d का मान 1 हो जाएगा, लेकिन यहां से n का मान नहीं है आपके पास क्योंकि ये कौन से पद से शुरू हो रहा है आपको पता है क्या, ये कोई 31 नंबर पद है, ये 32 नंबर पद है, या 35 नंबर है, या 30 नंबर है, या 25 नंबर है, आपको पता नहीं है। ऐसे में यदि ये 25 से 49 तक होता तो कितने हो जाते, 19 और 5 = 24 पद हो जाते, ये 35 होता तो 5 और 9 = 14 पद हो जाते, ये 40 होता तो 9 पद हो जाते, अब ये कौन से पद पर है आपको पता है क्या, नहीं। ऐसे स्थिति में आपके पास n तो है नहीं, इसलिए आप इन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, पहले तो 1 से लगाकर 49 तक पदों का योगफल ज्ञात कर लो और फिर 1 से लगाकर x तक पदों का योगफल ज्ञात करो। 1 से 49 तक जो पदों का योगफल है उसमें से 1 से x तक पदों के योगफल को घटा दो तो पीछे x के बाद वाले पदों का योग आ जाएगा। तो देखिए तथा x से बाद आने वाले पदों का योगफल देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान देना, पहले तो हो जाएगा एस 49, यानी 49 पदों का योग, ये पूरे पदों का आ जाएगा, उसमें से घटा देंगे एस एक्स, यानी एक्स तक के पदों का योगफल, पूरे में से एक्स तक घटा दे तो एक्स के बाद वाले आएंगे कि नहीं, ठीक है। तो देखिए यहां से एस 49 ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा n/2 यानी 49/2 कोष्टक ए, पहला पद 1+l अंतिम पद 49, ये हो गया आपके 49 पदों का योगफल, ठीक है। माइनस एस एक्स यानी एक्स तक के पदों का योगफल, वापस सूत्र यही लगेगा, n/2 n कितना हो गया, एक्स तक का एक्स हो गया, बटे में हो गया आपके 2, a हो गया आपका 1। देखिए ध्यान देना यहाँ पहला पद है, यहां से यहां तक ज्ञात कर रहे हैं, पहला पद क्या हो गया 1 और अंतिम पद हो गया आपका एक्स तक ज्ञात करें तो एक्स, तो इस तरीके से ये योगफल आ गया। अब देखिए मिटा देता हूं मैं इस प्रश्न को,
यहां से देखिए, अब देखिए यहां से ये हो गया आपके 49/2 × 50। कैसे? 49 + 1 = 50, माइनस में हो गया आपके एक्स कोष्टक एक्स प्लस 1/2 में हो गया 2। ठीक है, 2 से कट गया 25 बार, 25 × 9 = 225, हासिल आ गई आपकी 22, 25 = 400, 100 और 22 = 122 हो गया। इस प्रकार से हो गया 1225 माइनस एक्स कोष्टक एक्स प्लस 1/2 में आ गया आपके 2। ठीक है, ये योगफल आ गया एक्स के बाद वाले पदों का और ये आ गया एक्स से पूर्व वाले पदों का, दोनों ही प्रश्नानुसार क्या है बराबर। तो प्रश्नानुसार दोनों योगफल क्या है बराबर। तो प्रश्नानुसार देखिए यहां से पहला योग क्या आया था, पहला योग आया था आपके एक्स कोष्टक एक्स माइनस 1/2, ये योग जो है वो एक्स से पूर्व वाले पदों का है और बाद वाले में आया 1225 माइनस एक्स कोष्टक एक्स प्लस 1/2। ठीक है, अब देखिए आगे इनको करेंगे पक्षांतर, यहां से किसको एक्स वाले पदों को, फिर पर्सनल हो जाएगा, बस हो गया समझो प्रश्न। एक्स कोष्टक एक्स माइनस 1/2 माइनस वाला इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स कोष्टक एक्स प्लस 1/2 में आ गया 2, 1225 हो गया आपका। अब यहां से x का गुणा कर लेता हूं मैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स से किया तो x 1/2 में आ गया 2, प्लस एक्स और एक्स से किया तो x स्क्वायर आ गया, x और एक से किया तो x आ गया 1/2 में आ गया 2, 1225। अब देखिए यहां से दो दोनों का हर समान है, एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, जो अंश में लिखा है उसको जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान देना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स से एक्स घट गया क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का, बराबर में आपका आ गया 1225। आगे देखिए यहां से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया आपके 2x² 1/2 में आ गया 2 इज इक्वल टू में आ गया 1225, 2 से 2 कट गया और एक्स स्क्वायर बचा बराबर में 1225। ध्यान रहे इसको हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा दाएं पक्ष में, तो ये अंडर रूट आ गया 1225 का घनमूल एकाधिकेन से निकाल लीजिए क्योंकि अंतिम में आपके 25 लिख रखा है, तो वैदिक विधि में पढ़ा होगा एकाधिकेन से, तो क्या कैसे करते हैं देखिए, कभी भी यदि अंत में 25 लिखा हुआ हो तो 25 को अलग कर दो, दो टुकड़ा में बांट दो संख्याओं को, 25 अंतिम में लिख रखा हो तो उसका वर्गमूल कितना जल्दी अपन निकाल सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स आसानी से आप याद कर सकते हैं, एकाधिकेन पूर्वण से हम कर रहे हैं एकाधिकेन सूत्र का उपयोग करके, जब भी अंत में 25 लिखा हुआ है तो उसका वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं फटाफट 5 सेकंड में, तो 25 का वर्गमूल लिखना है 5 और पीछे बची संख्या कौन सी, 2 कर्मागत संख्याओं का गुणनफल है तो 3 और 4 कर्मागत, ध्यान रखे कर्मागत होनी चाहिए, तो 1 3 और 1 4 3 और 4 का गुणनफल है, इसी प्रकार उसमें छोटी कोण है 3, तो ये आ गया आपका 35, एक्स बराबर 35, यानी मकान नंबर 35 जो लिख रखा है उससे पहले के जितने भी मकान नंबर है उनका योग करो, 35 के बाद वाले मकानों का योग करो बराबर आएगा, इसलिए एक्स का मान हो गया 35। देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी एसी तथा एबी के मध्य बिंदु क्रमश पी क्यू तथा आर तथा एडी लंब बीसी है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर डी एक चक्कर ये चतुर्भुज है। तो देखिए दिया क्या है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं बीसी एसी एवं एबी के क्रमश मध्य बिंदु PQ तथा R एवं AD लंब BC, सिद्ध क्या करना, देखिए सिद्ध करना है PQ RD एक चक्करीय चतुर्भुज, रचना करनी पड़ेगी। देखिए चक्रीय का मतलब क्या होता है, समूह कोणों का योग 180। देखिए दो तरीके से चक्रीय की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जब वृत्त दे रखा हो तो यदि चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर हो तो भी वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, अन्यथा यदि उनके समूह कोणों का योग 180 डिग्री है तो भी वो चक्रीय चतुर्भुज ही कहलाता है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, समूह कोणों का योग 180, क्योंकि यहां कोई वृत्त तो है नहीं,
तो देखिए रचना करनी पड़ेगी। हम ऐसा करते हैं पी को आर से मिला देते हैं। तो देखिए सीध क्या करना है, तो सीध करना है पी क्यू आर एस चक्रीय त्रिभुज अर्थात समूह कोणों का योग 180 डिग्री। रचना कर दी हमने पी को आर से मिलाया, पी को आर से मिलाया। ध्यान दे सिद्ध करने में आप ऐसे भी लिख सकते थे कोण P प्लस R बराबर 180 तथा कोण B प्लस Q बराबर 180 ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि जब समूह कोणों का योग 180 है तभी वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। उत्पत्ति देखिए, पहले देख लीजिए आकृति को, आकृति से किस प्रकार सिद्ध करेंगे। अब आपने हमें यहाँ लाना क्या है 180 डिग्री इसके समूह कोणों का योग, और कोई भी ऐसा मान नहीं है जिससे उसका मान 180 आए। तो यहाँ पर हम त्रिभुज के तीनों कोण है हमारे पास, इन तीनों कोणों का तीनों कोणों से तुलना करेंगे हम किसी समूह कोणों से। तो जैसे P और Q ले लेते हैं, सॉरी P और R ले लेते हैं, तो P और R का योग 180 लाना है। तो हमें या P और R के जो कोण है, P और R के जो कोण है उनकी तुलना हमें किससे करनी है, इनके त्रिभुज के तीनों कोणों से। तो देखिए यहां से सबसे पहले देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु परिमेय से तो देखिए त्रिभुज एबीसी में मध्य बिंदु परिमेय क्या होता है, मध्य बिंदु परिमेय होता है कि त्रिभुज की किसे दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। तो इसका मतलब है ये और ये क्या हो गई समांतर, जब ये समांतर है तो ये भी समांतर होगी। तो क्या हो गया ए सी समांतर पी आर, अर्थात एस क्यू समांतर पी आर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए क्यू जो है आपका वो ए सी का ही हिस्सा है। तो इस तरीके से इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से आपके पी क्यू समांतर हो जाएगा ए आर, पी क्यू समांतर ए आर, अर्थात समूह भुजाएं क्या होगी समांतर। तो ए पी क्यू ए आर कैसा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज, अर्थात पी क्यू ए आर समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों है समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसकी समूह भुजाएं क्या है समांतर, ए आर समांतर चतुर्भुज होगा, ए आर समांतर समांतर चतुर्भुज होगा। जब ये समांतर चतुर्भुज होगा तो ये कोण एक किसके बराबर हो जाएगा, तब कोण एक है वो बराबर हो जाएगा एक, ये आपका समीकरण नंबर एक। तथा दूसरा कोण ये दो किसके बराबर हो जाएगा सी के, क्योंकि आपको पता है ये दोनों कैसी रेखा है समांतर, कैसी रेखा है समांतर, तो ये कैसे कोण हो गए संगत। तथा कोण दो बराबर सी, समीकरण नंबर दो और कारण लिख दोगे संगत कोण, कैसे कोण संगत, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है ये दोनों कोण हो गए संगत कोण। अब तथा अब देखिए अब हमारे पास में ये पूरा कोण आ गया और ये पूरा कोण किसके बराबर आ गया ए और सी के। अब बचा है सिर्फ बी, और बी की तुलना हमें करनी है आर से, क्योंकि पी और आर का योग कितना आना चाहिए 180, तो एक और दो को मिलाएंगे तभी पूरा पी बना। पी के साथ में जोड़ना किसको है आर को, पी अकेला है वो ए और सी के योग के बराबर तो आ गया। देख लो यहां से ये दोनों मिलाएंगे तभी पी बनेगा, और ए और सी मिलाएंगे तो ए और सी का योग आ गया। अब ए और सी में जब बी जुड़ेगा तभी तीनों त्रिभुज के कोणों का योग 180 होगा। तो अपने को सिर्फ चाहिए बी, और बी के साथ किसको बराबर चाहिए, बी को आर के बराबर। तो यहां से देखिए यह तो बराबर हो सकता है क्योंकि संगत कोण है, ये दोनों समांतर है, ये बराबर है कि नहीं आप देख सकते हैं, यहां से ये समकोण है क्योंकि दे रखा है लंब, तो ये भी क्या होगा लंब ही होगा, तो ये आ गया आपके समकोण। ठीक है, आपने एक परिमेय पढ़ा होगा मध्य बिंदु विलोम परिमेय, यह मध्य बिंदु है और यह रेखा इसके समांतर है, तो इसको भी कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी मध्य बिंदु पर। तो देखिए त्रिभुज क्या नाम हो गया एबीडी, एबीडी में मध्य बिंदु विलोम परिमेय से, मध्य बिंदु विलोम परिमेय से, मध्य बिंदु विलोम परिमेय क्या है, मध्य बिंदु विलोम परिमेय यह है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से रेखा खींची गई वो दूसरी भुजा के समांतर है, तो तीसरी भुजा को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी मध्य, इसका मैं नाम दे देता हूं आपके ई दे देता हूं। चलो तो ठीक है, तो ई जो है वो ए डी का क्या हो गया मध्य बिंदु, किससे मध्य बिंदु विलोम परिमेय से, मध्य बिंदु विलोम परिमेय क्या होता है, यह आपका त्रिभुज है, ये इस भुजा का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से इसके ये समांतर खींची गई है, तो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, अर्थात ए ई बराबर क्या हो जाएगा ए ई बराबर ई डी, ये आपके समीकरण नंबर तीन हो गया। ठीक है, ये मध्य बिंदु विलोम से आ गया।
अब देखिए इस दोनों त्रिभुजों को सर्वाधिकतम सिद्ध करना है। तो अब देखिए त्रिभुज कौन कौन सा, त्रिभुज एक तो लेना है आपके ए आर ई वे, दूसरा त्रिभुज जो है डी आर ई में ध्यान देना ए ई बराबर ई डी ये दोनों बराबर क्यों है, समीकरण नंबर 3 को ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि मध्य बिंदु विलोम परिमेय से ये दोनों बराबर आई थी, तो यह कारण हो जाएगा समीकरण 3 से। ये मिटा देता हूं मैं, देखिए यहां से तो क्या आ गया ए बराबर ई डी, ठीक है। और आर ई जो कोण आपका है आर ई ए, ये समकोण है और ये भी समकोण है, तो दोनों बराबर हो गए। तो कोण आर ई ए बराबर कोण आर ई डी, देखिए यहां से ये कोण ये 90 है, तो ये भी कितना होगा 90। इस दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है, इसकी और इसकी, तो ये समकोण है, जब ये भी क्या होगा समकोण, यानी दोनों कोणों का मान क्या है समकोण, दोनों ही कोण बराबर है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये दोनों बराबर हो गए। तो तीसरा है आर ई बराबर आर ई तथा आर ई बराबर आर ई, आर ई बराबर आर ई क्यों उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अर्थात क्या हुआ, ये हुआ एस, भुजा को कहते हैं एस, कोण को ए और एस, अतः एस ए एस एस ए एस एस ए एस गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, कौन से दो त्रिभुज ध्यान देना, ए आर ई सर्वाधिकतम त्रिभुज, ए आर ई डी आर ई ये दोनों त्रिभुज हो गए आपके सर्वाधिकतम, दोनों त्रिभुज हो गए सर्वाधिकतम, ठीक है। जैसे दोनों त्रिभुज सर्वाधिकतम हुए तो आपका कोण बराबर हो जाएगा कौन सा, ए आर ई, कौन कौन सा बराबर हो जाएगा ए आर ई, तब कोण ए आर ई बराबर हो जाएगा आपके डी आर ई, कोण डी आर ई, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, बाय सिंप्लिसिटी, यानी सर्वाधिकतम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए। अब देखिए इसको मैं डाल देता हूं समीकरण नंबर 4, क्या डाल दिया समीकरण नंबर 4, देखिए ये मिटा देता हूं इधर, देखिए आगे देखिए, अब कौन जो आपका है ए आर ई, कौन ए आर ई बराबर कौन आपका हो गया बी, क्यों संगत कौन, कैसे ये होगी समांतर रेखा है दोनों, और ये इसके अंदर बन रहा है ये बाहर बन रहा है, ये दोनों कैसे संबंध कहलाते हैं, जब दोनों रेखाएं समांतर और संगत, और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर, इसलिए ये बराबर हो गया, कौन ए आर ई के बराबर हो गया बी, और ए आर ई किसके बराबर है डी आर ई, ए आर ई किसके बराबर है डी आर ई के, तो यहां डी आर ई लिख सकता हूं, डी आर ई बराबर कौन बी, ठीक है। ये कहां से आया, ये आपके आया समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, ठीक है, समझ में आ गया होगा सीन्स फॉर। अब देखिए यहां से डी आर ई को ही तो क्या कहते हैं, डी आर ई कौन सा कोण है आकार, जो चतुर्भुज ले रहे हैं उसमें डी आर ई कौन सा कोण है आर, तो इसको शॉर्ट में आप आर भी लिख सकते हैं, और बराबर हो गया बी। इस तरीके से ये आपके समीकरण नंबर 5 आ गया। समीकरण 1, 2 और 5 को जोड़ेंगे, समीकरण 1, 2 व 5 को जोड़ने पर ध्यान देना, 1, 2, 3, 1, 2 और 5 को जोड़ने पर, अब देखिए यहां से एक क्या था आपका, एक का बाया पक्ष क्या था 1+2, कौन 1+2, और इसका बाया पक्ष क्या हो गया आर, उसका दाया पक्ष क्या था 1 सी, और इसका दाया पक्ष हो गया बी, अर्थात 1 बी और सी तीनों का योग हो गया। कौन 1 और 2 का पूरा नाम क्या है, 1 और 2 को पूरा हम क्या कह सकते हैं पी, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया पी, और कौन और योग में आ गया आर। ए बी और सी किसके कोण है, त्रिभुज के अंत कोण है, और जब त्रिभुज के तीनों अंत कोण है तो तीनों का योग हमेशा कितना होगा 180। रीजन लिखना पड़ेगा यहां पर, कारण लिख देता हूं मैं सिंस फॉर करके, देखिए त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक है। पी और आर कैसे कोण थे, पी क्यू आर डी चतुर्भुज के समूह कोण थे, और समूह कोणों का योग आपके सामने कितना आया, समूह कोणों का योग कितना आया 180, अर्थात आपका चतुर्भुज कैसा हो गया चक्करीय चतुर्भुज, अर्थात पी क्यू आर डी एक चक्करीय चतुर्भुज है, क्योंकि हमें क्या लाना था चक्करीय सिद्ध करने के लिए, समूह कोणों का योग 180, देख सकते हो आप कितना है 180, एक चक्करीय चतुर्भुज होगा,
चतुर्भुज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। छह नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में एक भुजाओं का युग्म समान शब्द रखा है और हमें सिद्ध करना है ए और डी बराबर है। देखिए यहां से दिया क्या है, दिया है चतुर्भुज दे रखा है आपके, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी और डी में ए डी समांतर, ए डी समांतर बी सी, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। उत्पत्ति देखिए, इसलिए ये कैसे कोण हो गए कर्मागत, तो ए और बी का योग कितना आ जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 कर्मागत कोण, कैसे कोण कर्मागत कोण, क्यों ये दोनों क्या है समान, ठीक है। कोण ए और सी का योग 180 होगा हमेशा, क्योंकि ऐसे चतुर्भुज है, चेक करिए, तथा कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 और कारण क्या हो गया चक्कर ये चतुर्भुज हो गया, कारण क्या हो गया चक्कर ये चतुर्भुज, ठीक है। समीकरण इसको आप एक डाल दो और इसको डाल दो दो, तो दोनों का दया पक्ष क्या हो गया बराबर, तो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा कौन बाया पक्ष बराबर हो जाएगा, दाया बराबर है तो बाया भी बराबर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए प्लस सी, ए पक्षांतर करेंगे तो घट जाएगा और बच जाएगा बी बराबर सी, अर्थात आपके कौन बी और सी क्या आ गए बराबर। अब देखिए बी और सी बराबर है जबकि हमें लाना था ए बराबर डी, तो यहां से देखिए ये कैसे कौन है कर्मागत, तो इनका योग कितना होगा 180, तो यहां से यदि हम बी को निकालना चाहे तो बी को कैसे निकालेंगे, ये बी है, बी को हम 180 माइनस, बी को 180 माइनस ए नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों कोण कर्मागत कोण है और कर्मागत कोणों का योग कितना होता है 180, तो हमें बी निकालना है तो बी की जगह क्या लिखेंगे 180 माइनस ए, तो ये बी है, बी के स्थान पर लिख दिया 180 माइनस ए। इसी प्रकार सी के स्थान पर क्या लिखेंगे, इस दोनों का योग 180 होगा, तो 180 में से सी लाने के लिए क्या घटाएंगे बी, 180 को पक्षांतर करेंगे तो घट जाएगा, दोनों तरफ माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए बराबर बी, क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, समझ में आ गया होगा। देखिए परिमेय है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छह नंबर का, इस तरीके से परिमेय पूछा जा सकता है। सीध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छह नंबर का क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, ध्यान देना। दिया क्या है, दिया है दो त्रिभुज दे रखे हैं समरूप, एक तो है एबीसी समरूप, दूसरा है पीक्यूआर, ये दे रखा है और कुछ नहीं दिया, ठीक है। यदि सीध करने की बात की जाए तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो एरिया एबीसी है यानी कि जो क्षेत्रफल है एबीसी का, एरिया पीक्यूआर है यानी कि क्षेत्रफल है पीक्यूआर का, वो इसकी जो संगत भुजाएं हैं यानी कि एबी बटा एबी की संगत होगी पीक्यू, इनके वर्ग के बराबर, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो, अलग अलग भी इसको लिख सकते हो। दूसरी संगत भुजा होगी बीसी बटा क्यूआर इनका स्क्वायर, और तीसरी होगी एसी बटा पीआर इनका जो स्क्वायर है, वो स्कोर का जो अनुपात है वही इनके एरिया का अनुपात होगा। तो देखिए यहां से रचना क्या की हमने, रचना की एडी लंब खींचा किस पर, बीसी पर, एडी लंब बीसी, तथा दूसरा क्या किया पीएस लंब खींचा किस पर, पीएस लंब खींचा क्यूआर, ठीक है। उपपत्ति में देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले दे क्या रखा है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर दे रखा है, तब क्या हो जाएगा इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, कौन कौन सी हो जाएगी, एबी बटा पीक्यू बराबर बीसी बटा क्यूआर और एसी बटा पीआर, क्यों, क्योंकि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तथा कौन भी बराबर हो जाएंगे, कौन सा ए बराबर हो जाएगा आपका पी, कौन ए बराबर हो जाएगा पी, कोण बी बराबर हो जाएगा क्यू, तथा आपका कोण जो है सी उसके बराबर हो जाएगा आर, ठीक है। दोनों का एक साथ मैं समीकरण नंबर एक डाल देता हूं इनको। अब क्या करेंगे, इस दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे, ठीक है, कौन से ए बी डी और ई क्यू एस को, ठीक है। तो देखिए आप
त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस में देखिए यहां से आपके पास क्या है, ए बी और पी क्यू का अनुपात है, दूसरे आपके पास में ये कोण है और ये कोण भी है, तो या ए एस से कर देते हैं, ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं, कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण बी बराबर हो जाएगा क्यू, क्यों दिया है, या समीकरण एक से भी लिख सकते हो आप, समीकरण डाल दिया तो ये एक से हो गया, ठीक है, क्या हो गया कोण बी बराबर क्यू। अब देखिए यहां से आपके कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण पी एस क्यू बराबर 90 डिग्री, ठीक है, अतः अतः क्या आ गया, अतः आ गया ए ए गुणधर्म से, ए ए गुणधर्म से, ए ए गुणधर्म से, यानी कोण कोण गुणधर्म से क्या हो जाएगा आपका, कौन सा त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ए बी डी, कौन सा त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा आपके पी क्यू एस, पी क्यू एस, ठीक है, ये दोनों समरूप हो गए, तब इनकी संगत भुजाए समानुपाती हो जाएगी, तो यहां से देखिए संगत भुजाए कौन सी होगी, ए बी, ए बी की संगत कौन सी होगी, पी क्यू होगी, इसके समरूप कौन सी हो जाएगी, समानुपाती कौन सी हो जाएगी, ए डी हो जाएगी, ए डी बटा पी एस, ये आ गया आपका समीकरण नंबर दो, ठीक है। अब देखिए यहां से दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, दोनों का देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं दोनों का, इधर देखिए मिटा देता हूं मैं। अब देखिए एरिया एबीसी, एरिया एबीसी बटे में आ गया आपके एरिया पी क्यू आर, एरिया पी क्यू आर, पी क्यू आर दोनों का क्षेत्रफल आप जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटा दो आधार गुणा ऊंचाई, एक बटा दो आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, तो एक बटा दो ये हो गया, एक बटा दो आधार हो गया पहले वाले त्रिभुज का बीसी, ये हो गया बीसी गुणा हो गया आपका ऊंचाई यानी लंब, क्या हो गया ए डी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, एक बटा दो आधार हो गया आपका क्यू आर, क्या हो गया क्यू आर, और आपकी जो ऊंचाई है वो दूसरे वाले त्रिभुज में है पी एस, क्या है पी एस, यहां से देखिए एक बटा दो से एक बटा दो कट गया, तो इस तरीके से आपके पास में क्या आ गया बीसी बटा क्यू आर गुणा ए डी बटा पी एस, ठीक है। अब आप जानते हैं समीकरण एक से ए जो आपका बीसी बटा क्यू आर है उसके बराबर में आप ए डी बटा पी क्यू भी लिख सकते हैं, एसी बटा क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी क्या है समानुपाती है, तो यहां से हम लिख देंगे, देखिए आकृति बटा देता हूं जगह नहीं होने कारण, देखिए यहां से ये हो गया आपके मिटा दिया गया इसको, ठीक है। अब देखिए क्या आया था ए डी बटा पी एस, ठीक है, यहां से मैंने समीकरण एक से बीसी बटा क्यू आर आपका जो लिख रखा है उसकी जगह ए डी बटा पी क्यू लिख रहा हूं, क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि हमें यहां से ए डी और पी एस हटाना है, यहां से ए डी और पी एस हटाएंगे तो उसके स्थान पर क्या आएगा समीकरण दो से ए बी बटा पी क्यू आएगा, ए डी बटा पी एस हटाएंगे तो क्या आएगा समीकरण दो से ए बी बटा पी क्यू आएगा, और जब यहाँ ए बी बटा पी क्यू होगा तभी ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर होगा, इसलिए यहां पर हम ए बी और क्या ले आ रहे हैं पी क्यू, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आप यदि यहां बी सी बटा क्यू आर रख रहे हो तो इसका मतलब है ए डी बटा पी एस के स्थान पर पहले ए बी बटा पी क्यू लिखेंगे, और ए बी बटा पी क्यू लिखने के बाद में फिर ए बी बटा पी क्यू के स्थान पर बी सी बटा क्यू आर लिखेंगे, तब भी हो जाएगा बी सी स्क्वायर क्यू बटा क्यू आर स्क्वायर, तो दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, या बी सी बटा क्यू आर की जगह में लिख दिया ए बी बटा पी क्यू गुणा में हो गया ए डी बटा पी एस के स्थान पर ए बी बटा पी क्यू, तो ये हो गया ए बी बटा पी क्यू, समझ में आया। एक तो हो गया आपके समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से ये हुआ, इससे हुआ दोनों से, एक से तो हुआ आप बी सी बटा क्यू आर के स्थान पर ए बी बटा पी क्यू आया, और दो से क्या हुआ ए डी बटा पी एस के स्थान पर ए बी बटा पी क्यू आया, ए बी और ए बी का गुणा हो गया ए बी स्क्वायर, और पी क्यू और पी क्यू का गुणा हो गया पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हैं क्या जानते हैं आप, इसको डाल देता हूं मैं समीकरण नंबर तीन डाल देता हूं आपके लिए, ठीक है। समीकरण एक और तीन को ध्यान से देखिए, एक और तीन को देखिए, तो यहां से देखिए ये भुजाएं सब समानुपाती है, जब इसका स्क्वायर है तो सभी का स्क्वायर हो जाएगा, तो समीकरण एक व तीन से क्या हो जाएगा आपके एरिया ए बी सी बटा एरिया पी क्यू आर बराबर में हो गया ए बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, इसके बराबर में है बी सी और क्यू आर, तो बी सी का भी स्क्वायर हो जाएगा,
और क्यू आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसी के बराबर में एसी बटा पी आर, तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा और पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है या नहीं। तो आप देख सकते हैं सभी का वर्ग है और उसका अनुपात एरिया के अनुपात के बराबर है। इसके स्थान पर दो और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूं इसी तरीके से आपको हल करना है। एक तो पूछा जाएगा माध्यिका का, माध्यिका दे रखी होगी और कहा जाएगा माध्यिका के वर्ग के बराबर होता है नहीं होता इनका क्षेत्रफल, तब भी ये दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करके कहना होगा। एक होगा कोणों के संधिभाजकों का प्रश्न और एक होगा शीर्ष लंबों के। तो इस तरीके से तीन अन्य प्रश्न भी इसी परिमेय के ऊपर उपपरिमेय के रूप में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो भी ध्यान रखना।